Hey guys, what is up? This is your host Bad Mood DK aka Rap Street Teacher. Thumbnail में तो आपने देख ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है. Yes, हमारा आज का टॉपिक है रैप म्यूजिक के फायदे, मैजिकल पावर ऑफ हिप हॉप, मैजिकल पावर ऑफ योर माइटी पेन. जी हाँ, आजकल रैप घर घर में लोग रैप कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे भी रैप कर रहे हैं, गली गली में. आपको डज नॉट मैटर कि आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, आपको म्यूजिक की नॉलेज है नहीं है, लोग बस रैप करना चाहते हैं एंड कर रहे हैं. अभी तो हालात ऐसे हो गए हैं कि भाई स्कूल के हर सेक्शन में एक रैपर, सेक्शन ए में एक रैपर, सेक्शन बी में एक रैपर. मेरा बस चले तो भाई स्कूल में मैं रैप बैटल शुरू करवा दूं. मैं मजा आएगा नहीं? चलो जी हाँ, तो खुद लोग खुद को एक्सप्रेस करने के लिए रैप करते हैं, तो कुछ लोग फेमस होने के लिए, कुछ लोग वायरल होने के लिए ओवरनाइट, कुछ लोग इसको अपना फुल टाइम करियर देखते हैं. डिफरेंट पीपल डिफरेंट चॉइसेस. जी हाँ, चलिए हम बात करते हैं रैप म्यूजिक के फायदे के बारे में. और जो पहला टॉपिक है मेंटल हेल्थ. हम जब रैप करना शुरू करते हैं तो हम लिखना भी शुरू करते हैं. अक्सर लोग क्या करते हैं, जब हमें कोई टेंशन या फिर कोई दुख, कोई तकलीफ होती है, हम किसी से शेयर करना चाहते हैं या फिर अपना गुस्सा, अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, किसी को हम गाली देते हैं, किसी को मारते हैं, जाके दारू पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं. अलग अलग लोग अलग अलग तरीके उनके भड़ास निकालने के, लेकिन आपके पास पेन है, आप एक आर्टिस्ट हैं, तो आपने वहां पे अपनी दास्तान, अपनी कहानी, जो भी आपने झेला है वो आपने लिख के अपनी भड़ास आदि वही निकाल दी. कहते हैं ना कि दुख बांटने से कम होता है, सुख बांटने से बढ़ता है. तो हम जब किसी से शेयर करते हैं तो हमारा दुख कम हो जाता है. तो हमने अपने डायरी के साथ हमने वो शेयर कर दिया, फिर हम उसमें बिजी हो जाते हैं और हम शब्दों के साथ खेलते हैं, शब्दों को तोड़ते मरोड़ते हैं. इसके बाद उसको हम बीट पे प्रैक्टिस करते हैं और गाना कंप्लीट होते होते आप देखना कि आप उस दुख से, आप उस तकलीफ से, उस वेदना से आप कुछ हद तक बाहर निकल गए हो. तो ये बहुत काम करता है, बहुत कारगर है, बहुत हेल्पफुल है. और भी चीज़ें, जैसे आप किसी के पास आपके लिए टाइम नहीं है, अपनी बातें किससे शेयर करोगे, मन में बहुत कुछ है, हजारों सवाल है, हजारों बातें हैं, किससे कहोगे, लिख डालो. नंबर टू, यू आर अ क्रिएटर. आपने अभी अभी कुछ लिखा, आपने अभी अभी कुछ कंपोज किया, एक नया सॉन्ग आपने बनाया, एक रैप सॉन्ग बनाया. डू यू जस्ट रियलाइज कि आपके इसको कंपोज करने के पहले ये चीज दुनिया में थी ही नहीं, ये चीज दुनिया में थी ही नहीं. यू हैव जस्ट कंपोज्ड इट, यू हैव जस्ट क्रिएटेड इट. आपने इसको जन्म दिया है, आप इसके जन्मदाता हैं. प्राउड फील हुआ कि नहीं? जैसे एक किसान, जैसे एक माली जब कोई फसल उगाते हैं, जब कोई पौधा उगाते हैं और वो जब बड़ा होता है, कैसा लगता है आपको? तो आप भी जब अपने गाने को आप मेहनत से, आप पसीने से, आप स्याही से उसको जब सींचते हैं और वो जब बन के रेडी होता है, तो वो फीलिंग वो सिर्फ आपको ही पता होगी. दुनिया के लिए वो बस एक दो तीन मिनट का गाना है, लेकिन आपके लिए इमोशंस है. तो आप एकदम फिक्र मत करिए कि भाई फ्लो सही नहीं था, मेरा बीट पे नहीं था, तो ऐसा था तो वैसा था, लिखाई काफ़ी हल्की थी. स्टार्ट में होता है, पहले ही दिन से कोई हनी सिंह और रफ्तार थोड़ी बन जाएगा, और इम्प्रूवमेंट विल टेक प्लेस फॉर श्योर. नंबर थ्री, मीटिंग लाइक माइंडेड पीपल. आप जब म्यूजिक में आते हैं तो आपकी दोस्ती, आपकी जान पहचान उन लोगों से होती है जो आपकी तरह सोचते हैं, जो आपकी तरह फील करते हैं, तो आपकी दोस्ती होती है, आपका एक नया फ्रेंड सर्कल बन जाता है. और म्यूजिक शुरू करने से पहले आप उनको जानते भी नहीं थे, लेकिन अभी आप में एक इमोशनल बॉन्डिंग है. ऑन दी अदर हैंड, आप एक दूसरे के साथ म्यूजिक जब बातें करते हैं तो म्यूजिक के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं. म्यूजिक के अलावा भी आप उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, आप उनको सिखाते हैं. और यहाँ पे एक, अगर आप अकेले फील करते हैं, अगर आप डिप्रेस्ड हैं, अगर आप का कोई फ्रेंड नहीं है, तो आप जब म्यूजिक में आए तो जस्ट गौर करना कि आपने एक नया फ्रेंड सर्कल बना लिया. नेक्स्ट पॉइंट है, म्यूजिक एलिवेट्स यू. बहुत लोग बहुत तरह की बातें कहेंगे आपको, लेकिन जब म्यूजिक में आने के बाद आपने जब इम्प्रूवमेंट दिखाई, या फिर फर्स्ट टाइम आपने कुछ लिखा, आपने लोगों को दिखाया, तो जो लोग आपके बारे में सोचते थे कि यार कितना भोंदू है, वो कहेंगे वाह इतना सुंदर कैसे लिख दिया, मैं तो सरप्राइज हो गया. कुछ लोग तो उस टाइम भी मतलब सरप्राइज नहीं होंगे, होंगे बट दिखाएंगे नहीं, शो नहीं करेंगे वो. लेकिन आप जब इम्प्रूव करते जाओगे तब वो आके बोलेगा, पीठ पे कंधे पे हाथ रख के थपथपाएगा, बोलेगा वाह मान गए. तो समाज में जो आपकी इज्जत है उसको ये एलिवेट करता है. मैजिकल पावर दैट म्यूजिक होल्ड्स, मैजिकल पावर दैट म्यूजिक हैज.
सास भी कभी बहू थी और एक मास्टर भी कभी बिगिनर, ये बात याद रखना। मास्टर भी कभी बिगिनर था, अब जब बहुत अच्छा करने लगेंगे, जब आपकी कलम बोलेगी, जब लोग उसको सुनेंगे, जब लोग उसको सुनने के लिए पागल हो जाएंगे, तब समझना कि आपकी कलम रंग ला रही है और तब लोग आपसे इंस्पायर होंगे। आपके आपके पड़ोस के बच्चे, आसपास के लोग, जो लोग आपसे टच में आएंगे सोशल मीडिया पे, आपसे इंस्पायर होंगे, आपकी तरह बनना चाहेंगे, वो आपको आइडलाइज करेंगे और तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपने जो तपस्या की इतने सालों तक, अब वो सफल हो रही है। जरूरी नहीं कि आप बड़े स्टार ही बनो, बन गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन पाए तो फिर भी अपने आसपास के लोगों के लिए आप एक प्रेरणा हो, है कि नहीं। तो भाई ये है पावर हिप हॉप की, ये है पावर आपके कलम की। एक बात याद रखना, बस इसमें आ गए तो कभी रुकना मत, एंड नथिंग कैन स्टॉप यू। अगर आप ना चाहो तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। दुनिया लाख चीजें बोलेगी फेमस होने से पहले, सफल होने से पहले दुनिया आपको लाख चीजें बोलेंगी, ऐसा तो वैसा ये वो, आपको सुनना है, एक कान से सुनो दूसरे से निकालो, जैसा आप स्कूल में करते हो, कॉलेज में करते हैं हम लोग, है ना। लेकिन रुकना नहीं, कुछ भी हो जाए हाँ थोड़ा सा आराम कर लेना रुक के कहीं पे, मगर वो आराम शुड नॉट बी परमानेंट। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं हम किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।